हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 6 से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन जो है 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का परिचय दीजिए एवं ग्रीन हाउस का उद्देश्य भी बताइए। ठीक है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो है उसका परिचय देना कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या होता है और ग्रीन हाउस का उद्देश्य भी बताना है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का परिचय। तो ग्रीन हाउस तकनीक, जिसे संरक्षित खेती या नियंत्रित पर्यावरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो है इसको संरक्षित खेती, ठीक है, संरक्षित खेती का मतलब होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, या नियंत्रित पर्यावरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में फसलों की खेती के लिए एक कृत्रिम वातावरण बनाना शामिल होता है ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी के अंदर, ठीक है। इस तकनीक ने बढ़ते मौसम को बढ़ाकर फसल की वृद्धि को अनुकूलित करके और समग्र उत्पादकता में सुधार करके आधुनिक कृषि में क्रांति ला दी है, ठीक है, क्या ला दी है, आधुनिक कृषि में क्रांति ला दी है। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है कि यह जो ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी है ना, यह इसी को बोला जाता है संरक्षित खेती, या इसी को बोला जाता है नियंत्रित पर्यावरण कृषि, ठीक है। इसने क्या किया, इसने पर्यावरण को अब जो भी हमारे फसल उसके अनुकूल बना दिया, कृत्रिम वातावरण बनाने के लिए इसका प्रयोग शामिल किया जाता है। मतलब जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी होता है इसके अंदर कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है। इस तकनीक ने बढ़ते मौसम को बढ़ाकर फसल की वृद्धि को अनुकूलित करके और समग्र उत्पादकता में सुधार करके आधुनिक कृषि में एक क्रांति ला दी है। ग्रीन हाउस एक आश्रय स्थान प्रदान करते हैं जहाँ पर तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और अन्य पर्यावरणीय कारकों को बाहरी मौसम की स्थिति के बावजूद पौधों के विकास के लिए आदर्श स्थिति बनाने के लिए प्रबंधित किया जाता है, ठीक है। तो यह था ग्रीन हाउस का परिचय। ग्रीन हाउस क्या होता है जानते हैं, ग्रीन हाउस जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए इस टाइम ठंडी के मौसम, ठीक है, तो ग्रीन हाउस के अंदर हम अपना एक अनुकूल वातावरण, एक कृत्रिम वातावरण बनाएंगे। हम चाहेंगे ग्रीन हाउस के अंदर ना, तो गर्मी की जो फसल है उसको हम ठंडी में उगा सकते हैं और ठंडी की फसल को गर्मी में उगा सकते हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाता है, पौधों के अनुकूल कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस का उद्देश्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्देश्य, उद्देश्य बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा उद्देश्य, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का उद्देश्य क्या होता है, तो ग्रीन हाउस का उपयोग एक माइक्रो क्लाइमेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म वातावरण, ठीक है। ग्रीन हाउस का उपयोग किस लिए किया जाता है, एक सूक्ष्म वातावरण को बनाने के लिए किया जाता है जो विभिन्न पौधों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। वे फसलों को ठंड, गर्मी, हवा और अत्यधिक बारिश जैसी चरम मौसम स्थितियों से बचाते हैं। यह जो ग्रीन हाउस होते हैं, यह फसलों को ठंडी से, गर्मी से, हवा से और अत्यधिक बारिश जैसे जो भी आपदाएं होती है उनसे बचाते हैं। यह नियंत्रित वातावरण साल भर उन फसलों की खेती की अनुमति देता है जो स्थानीय जलवायु में विकसित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने की है कि यदि हम इस समय से आएंगे कि गर्मी की फसल जो है उसको उगा लें तो नहीं होगा, लेकिन यदि ग्रीन हाउस रहेगा तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्मी की मौसम को भी उगा सकते हैं, ठंडी की मौसम को भी गर्मी में उगा सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका पहला उद्देश्य है कि यह माइक्रो क्लाइमेट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न पौधों को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, जो फसलों को ठंडी, गर्मी, अत्यधिक बारिश जैसे अन्य परिस्थितियों से बचाता है। यह नियंत्रित वातावरण साल भर उन फसलों की खेती की अनुमति देता है जो स्थानीय जलवायु में विकसित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, दूसरा पॉइंट है संरचना और डिजाइन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस आमतौर पर कांच या प्लास्टिक जैसी सामग्रियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। संरचना में दीवारें और छतें शामिल होती हैं जो गर्मी को रोकते हुए सूरज की रोशनी को प्रवेश करने की अनुमति देती है, ठीक है। या क्या करती हैं, जो सूरज की गर्मी होती है उसको ऊपर ही रोक लेती हैं और वहां से रोशनी को अंदर सिर्फ भेजती हैं। यह डिजाइन अंदर एक गर्म और अधिक आर्द्र वातावरण बनाता है जो विशेष रूप से सब्जियों और फूलों और सजावटी फसलों जैसे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यह क्या करता है, जो ग्रीन हाउस होता है, यह जो हमारी फूल वाली फूल होते हैं और सब्जी वाली फसल होती है उनके लिए एक अनुरूप वातावरण, उनके अनुकूल वातावरण तैयार करता है। अगला है तापमान विनिमय,
तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करने के लिए तंत्र लगे होते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन सिस्टम, शेड नेट और कूलिंग पैड गर्म अवधि के दौरान अधिक गर्मी को रोकने में मदद करते हैं, जबकि हीटिंग सिस्टम ठंड के मौसम में गर्मी को बनाए रखते हैं, ठीक है। हीटिंग मौसम जो होता है वह गर्मी, ठंडी के मौसम में गर्मी बनाए रखता है, और गर्मी के मौसम में जब हमें गर्मी को कम करना होता है तो उसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम, शेड नेट और कूलिंग पैड लगे होते हैं, ठीक है। अगला है आर्द्रता प्रबंधन। तो ग्रीन हाउस में आर्द्रता इष्टतम स्तर बनाए रखी जाती है पौधों की उचित वृद्धि के लिए, आवश्यक होता है क्योंकि कुछ पौधों को प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध नमी की तुलना में अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए मैं ये जो आप लोगों का उद्देश्य है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, क्या इसमें कुछ क्या ऐसा पॉइंट है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो समझना है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, कल ही आप लोगों का एग्जाम है, 3 दिन लगातार एग्जाम है, और उम्मीद करते हैं आज का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है बहुत ही अच्छा गया होगा, और एग्जाम कैसा गया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है प्रकाश प्रबंधन, ठीक है, प्रकाश प्रबंधन। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी प्रकाश के नियमन की अनुमति देती है, ठीक है, पौधों तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए शेड नेट या शेडिंग सिस्टम को समायोजित किया जा सकता है, जिससे अत्यधिक जोखिम को रोका जा सकता है जो तनाव या सनबर्न का कारण बन सकता है, ठीक है। जो तनाव या सनबर्न मतलब समझ रहे हैं, सन मतलब सूरज, बर्न मतलब आग, ठीक है, जो कि पौधों को जलाने से, पौधों को ज्यादा टेम्परेचर से नुकसान करने से बचा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं जल प्रबंधन। तो ग्रीन हाउस में अक्सर सिंचाई प्रणालियां होती हैं जो पौधे की जड़ों को सीधे पानी प्रदान करती हैं, इसमें पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है और पौधों पर पानी के छींटों से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब लोग पानी भरते हैं हम लोग बिना ग्रीन हाउस से, तो क्या होता है उसमें से कुछ पानी के छींटे पौधे के पत्तियों पर जाते हैं, जिससे वहां पर रोग लग जाता है, कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है हमें छुटकारा मिलता है। अगला है कीट और रोग नियंत्रण। तो ग्रीन हाउस का नियंत्रण वातावरण, कीटों और बीमारियों की निगरानी और प्रबंध करना आसान बनाता है। स्क्रीन या जाल जैसी भौतिक बाधाएं कीटों में संरचना, कीटों के वो संरचना में प्रवेश करने से रोकती हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है और जो हमारा फसल होता है वह बिना रसायन के हो जाता तैयार, ठीक है। अगला फसल विविधता। तो ग्रीन हाउस स्थानीय जलवायु की परवाह किए बिना विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को सक्षम बनाता है। इस विविधता में सब्जियां, फल, फूल, जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि विदेशी या नाजुक पौधे भी शामिल हो सकते हैं, मतलब ग्रीन हाउस में सभी प्रकार की फसलों को उगाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बढ़ी हुई उत्पादकता, ठीक है। तो नियंत्रित स्थितियों के कारण ग्रीन हाउस में पौधे तेजी से बढ़ते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली उपज देते हैं, इससे किसानों की लाभप्रदता बढ़ती है, मतलब किसानों का जो आय है वह और तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अगला है सतत कृषि। तो ग्रीन हाउस पानी के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता को कम करके, मिट्टी के कटाव को रोककर, रासायनिक आदानों के उपयोग को कम करके टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है अनुसंधान और प्रयोग। तो ग्रीन हाउस कृषि अनुसंधान और प्रयोग के लिए मंच के रूप में भी काम करता है। वैज्ञानिक पौधों की वृद्धि पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं और फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार के लिए नई तकनीक विकसित कर सकते हैं। तो यह था पूरा ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का परिचय, ग्रीन हाउस का उद्देश्य। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस को कवरिंग मटेरियल और आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस को क्या करना है, कवरिंग मटेरियल जो होता है, जो उसको कवर करने वाला मटेरियल होता है, उसके आधार पर और आकार के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो देखिए इन दोनों पर बार बार एग्जाम पूछता है, इन दोनों में से एक एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखिएगा। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस के प्रकार कवरिंग सामग्री के आधार पर, ठीक है, कवरिंग मटेरियल के आधार पर देखेंगे ग्रीन हाउस का प्रकार। तो पहला ग्लास ग्रीन हाउस, ठीक है, कवरिंग मटेरियल के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तो पहला ग्लास ग्रीन हाउस। तो इस ग्रीन हाउस में पारदर्शी कांच की दीवारें और छतें होती हैं जो उत्कृष्ट प्रकाश संचरण प्रदान करती है, ठीक है, क्या करती हैं, उत्कृष्ट प्रकाश संचरण प्रदान करती हैं। वे अक्सर अस्थायी संरचनाएं होती हैं और उन्हें ठोस नींव की आवश्यकता होती है, ठीक है। ग्लास ग्रीन हाउस क्या होता है, तो ये ग्रीन हाउस में पारदर्शी कांच की दीवारें होती है, ठीक है। ग्लास ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस के ऊपर क्या होता है, एक ग्लास लगा होता है जो पारदर्शी होता है, जो उत्कृष्ट प्रकाश संचरण को प्रदान करता है, ठीक है। यह अक्सर अस्थायी संरचना होती है जो इन्हें ठोस नींव की आवश्यकता में मदद करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। देखिए कवरिंग मटेरियल के आधार पर देख रहे हैं, तो पहला हम लोगों ने देखा ग्लास ग्रीन हाउस, दूसरा है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। तो प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये ग्रीन हाउस कवरिंग सामग्री के रूप में पॉलीथीन या अन्य प्रकार के प्लास्टिक फिल्म का उपयोग करते हैं। एक कांच के ग्रीन हाउस की तुलना में अधिक किफायती और निर्माण में आसान होते हैं। प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस का उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक कृषि में किया जाता है, ठीक है।
जहाँ पर व्यावसायिक रूप से कृषि किया जाता है वहां पर प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। अगला है पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस। तो पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए मजबूत पॉलीकार्बोनेट पैनल का उपयोग किया जाता है। एक कांच और प्लास्टिक की फिल्मों के बीच संतुलन प्रदान करते हैं जिससे अच्छा प्रकाश संचरण और प्रभाव प्रतिरोध मिलता है। वे सूरज की रोशनी फैलाने के लिए जाने जाते हैं और विभिन्न फसलों के लिए बहुमुखी होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। और देखिए जो भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला है छायाघर। ठीक है, शेड हाउस बोल सकते हैं इसको। तो ये ग्रीन हाउस छाया प्रदान करने और पौधों को अत्यधिक धूप से बचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता को कम और पौधे के तनाव को रोकने के लिए उनके पास एक छायांकन सामग्री होती है, छाया को रोकने वाली सामग्री होती है जो आमतौर पर बुने हुए कपड़े या जाल से बनी हुई होती है। ठीक है, अगला देखते हैं कीट रोधी स्क्रीन हाउस। ठीक है, तो इन संरचनाओं में फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए महीन जाली वाली एक ख्याति स्क्रीन होती है। ठीक है, वे कीटों को दूर रखते हुए सूर्य की रोशनी और वायु प्रवाह की अनुमति देते हैं जिससे वे जैविक खेती और उच्च कीट वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श बन जाते हैं। सफल खेती के लिए उचित वेंटिलेशन और नियंत्रण जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह था आपका कवरिंग मटेरियल के आधार पर। अगला देखेंगे इसी में दूसरा जो मैंने आप लोग बताया था, एक कवरिंग मटेरियल के आधार पर और दूसरा आकार के आधार पर। तो अब आकार के आधार पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा आकार के आधार पर पूछता है। पहला है पारंपरिक ग्रीन हाउस, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल ग्रीन हाउस। ठीक है, तो आकार के आधार पर पहला यही है जो कुशल जल निकासी और वेंटिलेशन के लिए इनमें आयताकार या चौकोर आकार और पक्की छत होती है। फ्रेम स्टील एल्यूमिनियम या लकड़ी जैसी सामग्रियों से बना होता है। इनका जो फ्रेम होता है वह किससे बना होता है, स्टील एल्यूमिनियम या लकड़ी जैसी सामग्री से बना हुआ होता है। और आवरण अक्सर कांच या प्लास्टिक का होता है, इनका जो आवरण होता है वह कांच या प्लास्टिक का होता है। ग्लास बेहतर प्रकाश संचरण और इंसुलेशन प्रदान करता है जबकि प्लास्टिक जो होता है अधिक लागत प्रभावी होता है। ग्लास जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण और संचरण और इंसुलेशन प्रदान करता है लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसका लागत अधिक होता है। ठीक है, अगला है घेरा घेरा घर या ऊंची सुरंगे। तो यह सरल और लागत प्रभावी संरचनाएं हैं। ठीक है, यह जो घेरा घर या ऊंची सुरंगे टाइप का जो ग्रीन हाउस है आकार के आधार पर, तो यह क्या है, यह सरल और लागत प्रभावी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग मौसम के विस्तार और संरक्षित खेती के लिए किया जाता है। उनके पास प्लास्टिक की फिल्म से ढका हुआ धातु या पीवीसी पाइप से बने एक अर्ध गोलाकार या घेरा आकार का फ्रेम होता है। घेरा घर प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देते हुए मौसम के तत्वों, कीड़ों और कुछ बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे उन फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनके लिए थोड़ा नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे ठंडे मौसम की सब्जियों और सजावटी पौधों के लिए इस टाइप के ग्रीन हाउस का यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टाइप कौन सा है, गार्थिक आर्क ग्रीन हाउस। देखिए ये जो गार्थिक आर्क ग्रीन हाउस, जो भी मैं ग्रीन हाउस बता रहा हूँ पारंपरिक ग्रीन हाउस, एक नंबर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं पारंपरिक ग्रीन हाउस क्या होता है। और देखिए आकार के आधार पर सबसे ज्यादा पूछता है क्वेंसेट ग्रीन हाउस के बारे में। ठीक है, अभी जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ध्यान से सभी पॉइंट को समझिएगा। गार्थिक आर्क ग्रीन हाउस क्या होता है, तो एक नुकीले या गार्थिक आर्क आकार और एक उच्च केंद्र शिखर के साथ एक ग्रीन हाउस बढ़ी हुई बर्फ और बारिश शेडिंग, बढ़ी हुई ऊंचाई और बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। ये उतार चढ़ाव वाली मौसम स्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, ये जो गार्थिक आर्क ग्रीन हाउस होता है यह पहाड़ों वहाड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, यह ज़्यादा नहीं पूछता है। अगला क्वेंसेट ग्रीन हाउस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे समझिएगा। घेरा घरों के समान एक गोल अर्ध गोलाकार या घेरा के आकार की संरचनाएं होती हैं जो पर्याप्त जगह प्रदान करती हैं और समर्थन पदों की आवश्यकता को कम करती हैं। ठीक है, इनकी छत गोल होती है और कोई ऊर्ध्वाधर पास से दीवारें नहीं होती हैं। ये लागत प्रभावी और निर्माण में आसान होते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस होता है यह लागत प्रभावी होती है, मतलब इनमें लागत जो है वह कम लगता है। ठीक है, यह जो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस होता है यह पाइप मेहराब या ट्रस प्लीवलिंग द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कैसा होता है, मैं थोड़ा सा देखिए मैं कलाकार तो नहीं, मतलब चित्र बनाना मुझे नहीं आता है, तो इस प्रकार से दिखी रहेगा और इस पे इस आकार से फिर इस आकार से इस आकार से ऊपर से देखिए ढका हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार की एक कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे, अगला ए फ्रेम ग्रीन हाउस। तो अक्षर ए से मिलते जुलते इन ग्रीन हाउस में खड़ी छतें होती हैं जो कुशल वर्षा जल और बर्फ के बहाव में मदद करती हैं। वे भारी बर्फा या बर्फ जमाव वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, ये जो ए फ्रेम ग्रीन हाउस होती है, मतलब इनका जो फ्रेम होता है वह एक आकार होता है, एक आकार का होता है, मतलब एक आकार में मिलता जुलता है इनका फ्रेम। ठीक है, इस प्रकार से होता है।
यह क्या करती हैं, इन ग्रीन हाउस में खड़ी छतें होती हैं जो कुशल वर्षा जल और बर्फ के बहाव में मदद करती हैं। ये भारी वर्षा या बर्फ जमाव वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कम लागत वाले ग्रीन हाउस निर्माण के लिए उपयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को एक बताया था इससे पीछे, उसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया था, वह थोड़ा सा जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था, बहुत लंबा लॉन्ग हो गया था। इसको मैं बताऊंगा पॉइंट पॉइंट में और आपको समझ में आएगा हेडिंग से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, कम लागत वाले ग्रीन हाउस निर्माण की सामग्री का वर्णन कीजिए, ठीक है, या कम लागत वाले ग्रीन हाउस के निर्माण में उपयुक्त होने वाली या लगने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो कम लागत वाले ग्रीन हाउस उन व्यक्तियों या छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए एक किफायती समाधान प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो अपने बढ़ते मौसम को बढ़ाना चाहते हैं, पौधों को कठोर मौसम से बचाना चाहते हैं, या बड़े निवेश के बिना बागवानी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। इन ग्रीन हाउसों का निर्माण सरल और किफायती सामग्री का उपयोग करके किया जाता है। यहाँ कम लागत वाले ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य सामग्रियाँ दी गई हैं, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला, पीवीसी पाइप, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, कम लागत वाले ग्रीन हाउस का निर्माण करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग पीवीसी पाइप का यूज करेंगे, पीवीसी पाइप का या बांस का यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा, बांस का यूज करेंगे, बम्बू का या पीवीसी पाइप का। तो पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोला जाता है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बोला जाता है। तो पीवीसी पाइप हल्के, आसानी से उपलब्ध और लागत प्रभावी होते हैं, मतलब सस्ते में मिल जाते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर कम लागत वाले ग्रीन हाउस का फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। पीवीसी पाइप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका ग्रीन हाउस का फ्रेम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीवीसी पाइपों को संभालना आसान है और ग्रीन हाउस संरचना बनाने के लिए इन्हें विभिन्न आकारों में काटा और जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ग्रीन हाउस में उपयुक्त होने वाले, कम लागत वाले ग्रीन हाउस में उपयुक्त होने वाली सामग्री क्या, पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप क्या होता है, पीवीसी पाइप एक प्रकार का पाइप होता है जो कम दाम पे मिल जाता है, और इसका उपयोग ग्रीन हाउस में कम लागत वाले ग्रीन हाउस में फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। पीवीसी पाइपों को संभालना आसान होता है, ग्रीन हाउस संरचना बनाने के लिए इन्हें विभिन्न आकारों में काटा और जोड़ा जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, पॉलीथीन फिल्म। तो देखिए, सस्ते ग्रीन हाउस बनाने के लिए, कम लागत वाले ग्रीन हाउस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे, पॉलीथीन फिल्म का। तो पॉलीथीन प्लास्टिक फिल्म कम लागत वाले ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए एक आवश्यक सामग्री होते हैं। इनका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं ग्रीन हाउस में, तो इनको ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह पारभासी या स्पष्ट प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस या त्वचा के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, स्किन के रूप में कार्य करते हैं, जो पौधे के लिए संरक्षित वातावरण बनाते समय सूर्य के प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। फिल्म जो होते हैं, फिल्म सस्ती होती है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है। इसमें जो प्लास्टिक की फिल्म होती है वह सस्ती होती है, अभी इस टाइम मार्केट में 70 से 80 रुपये मीटर मिल जाती है, ठीक है। प्लास्टिक फिल्म जो होता है ग्रीन हाउस का, 70 से 80 रुपये मीटर मिल जाती है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है, इसको दोबारा बदला भी जा सकता है। तो पहला चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, पीवीसी पाइप। दूसरा बताया पॉलीथीन फिल्म। पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जाता है क्या, उसका फ्रेम बनाने के लिए, और पॉलीथीन फिल्म का प्रयोग उसको कवर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, बांस। तो बांस का प्रयोग, ठीक है, उन क्षेत्रों में जहां बांस प्रचुर मात्रा में हो, इसका उपयोग अक्सर कम लागत वाले ग्रीन हाउस के फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बांस जो है, इसका प्रयोग जो है कम लागत वाले ग्रीन हाउस बना के फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि पीवीसी पाइप का या बांस का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर मैंने बताया कि फ्रेम बनाने के लिए पीवीसी पाइप का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग बांस का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर बांस उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि बांस जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो वह संसाधन जिसे हम बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, वह नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ बांस प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, और अक्सर कम लागत वाले ग्रीन हाउस के फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। बांस एक नवीकरणीय संसाधन है और संरचना को प्राकृतिक देहाती लुक प्रदान करता है, ठीक है। जो हम संरचना बनाते हैं ग्रीन हाउस की, उन्हें देहाती लुक प्रदान करता है बांस। इसका उपयोग फ्रेम के लिए ऊर्ध्वाधर समर्थन और क्षैतिज बीम के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो बांस का उपयोग भी हम लोग करते हैं ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। अगला है, पुनः प्राप्त सामग्री, ठीक है। पुरानी खिड़कियाँ, दरवाजे या लकड़ी जैसी पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग कम लागत वाले ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इन सामग्रियों को कुछ नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये लागत प्रभावी का समाधान कर सकती है। मतलब जो देखिए, हमारे घर से पुरानी खिड़कियाँ, दरवाजे, लकड़ी आदि जो भी निकली हैं, उन सभी का यूज भी हम लोग ग्रीन हाउस में कर सकते हैं। उनमें कुछ सुधार करके, कुछ काट छाट करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर है लकड़ी, तो बुनियादी लकड़ी के फ्रेमों का निर्माण सस्ती लकड़ी का उपयोग करके किया जा सकता है। हालांकि लकड़ी अन्य सामग्रियों की तरह टिकाऊ नहीं है, फिर भी छोटे ग्रीन हाउस की लागत प्रभावी विकल्प के रूप में काम कर सकती है। लकड़ी के फ्रेम अस्थाई या मौसम उपयोगी के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। प्रबलित प्लास्टिक सीटिंग, ठीक है, हेवी ड्यूटी तिरपाल के समान प्रबलित प्लास्टिक सीट का भी उपयोग ग्रीन हाउस संरचना बनाने के लिए किया जा सकता है।
यह सामग्री बहुत ही सस्ती होती है और हवा और बारिश से सुरक्षा की एक परत प्रदान करती है। अगला है छायादार कपड़ा। देखिए उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए सस्ता ग्रीन हाउस आप लोग बनाना है तो जो सस्ते सस्ते सामान रहेंगे उसी का यूज करेंगे। तो आप लोग को सिर्फ इसमें पॉइंट याद रखना, उसके बाद आप लोग अपने से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइम कम है इसीलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। छायादार कपड़ा, तो छायादार कपड़ा ग्रीन हाउस के अंदर प्रकाश की तीव्रता और तापमान को नियंत्रित करने का एक लागत प्रभावी तरीका हो सकता है। इसका उपयोग सीधी धूप को कम करने और गर्मी के दिनों के दौरान अधिक गर्मी को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है रस्सी या तार, ठीक है। पॉलीथीन फिल्म को ग्रीन हाउस के फ्रेम में सुरक्षित करने के लिए रस्सी या तार का उपयोग किया जा सकता है। ये सामग्रियां आवरण को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करती हैं और यह सुनिश्चित करती है कि हवा से क्षतिग्रस्त न हो, ठीक है। तो रस्सी या तार से हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं उसको बांधने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला धातु क्लिप या क्लैंप, ठीक है। धातु क्लिप या क्लैंप, तो पॉलीथीन फिल्म को फ्रेम से जोड़ने के लिए धातु क्लिप या क्लैंप का उपयोग किया जाता है। ये वेंटिलेशन या रख रखाव के लिए आसान पहुंच की अनुमति देते हुए एक सुरक्षित लगाव प्रदान करते हैं। तो यह था आपका सस्ती ग्रीन हाउस को बनाने के लिए उपयुक्त होने वाली जो भी सामग्री उसके बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें कुछ पॉइंट और जिसको आगे देख लेते हैं हम लोग। क्लैंप के बाद स्टेपल या कील, ठीक है। तो स्टेपल या कील का उपयोग पॉलीथीन फिल्म को लकड़ी के तख्ते पर बांधने के लिए किया जाता है। ये आवरण को तना हुआ रखने में मदद करते हैं। जैसे क्या करेंगे, जैसे आप ग्रीन हाउस में उसमें प्लास्टिक फैलाएंगे तो इधर आपका फ्रेम है, इधर फ्रेम है, तो इस पर क्या करेंगे प्लास्टिक पे स्टेपल कर देंगे या कील मार देंगे, तो प्लास्टिक जो आपकी तनी रहेगी टाइट रहेगी, ठीक है। ये आवरण को तना हुआ रखने में मदद करते हैं और इसमें हवा को फड़फड़ाने से रोकते हैं। अगला है प्राकृतिक वेंटिलेशन। तो यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करने के बजाय कम लागत वाले ग्रीन हाउस समायोजन उद्घाटन या वेंट का उपयोग करके प्राकृतिक वेंटिलेशन पर भरोसा कर सकते हैं, जिन्हें मैनुअल रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है, ठीक है। प्राकृतिक वेंटिलेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें कम लागत वाले ग्रीन हाउस को बनाना है। चलिए अगला पॉइंट है निष्क्रिय ताप और शीतलन। तो कम लागत वाले ग्रीन हाउस निष्क्रिय ताप और शीतलन तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। जैसे गर्मी को अवशोषित करने और छोड़ने के लिए थर्मल द्रव्यमान जैसी सामग्री का उपयोग करना या रणनीतिक रूप से ग्रीन हाउस को ऐसे स्थान पर रखना जो प्राकृतिक रूप से लाभान्वित हो, छाया हवा या हवा का पर्यटन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन सस्ता ग्रीन हाउस बना सकते हैं। तो कम लागत वाले ग्रीन हाउस में अधिक उन्नत संरचनाओं की सभी विशेषताएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वे पौधे के विकास के लिए संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रभावी हो सकती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो हम कम लागत वाले ग्रीन हाउस बनाएंगे वह अधिक उन्नत संरचनाओं की सभी विशेषताएं तो नहीं पूरी कर सकती, मतलब जो महंगे ग्रीन हाउस है उनकी सभी विशेषताओं को तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन ये जो सस्ते ग्रीन हाउस है या फिर भी कुछ पौधे के विकास के लिए संरक्षित वातावरण प्रदान करने में प्रभावी हो सकते हैं। ये सामग्रियां महत्वाकांक्षी बागवानों और छोटे पैमानों किसानों के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों की खेती शुरू करने के लिए एक बजट अनुकूल तरीका प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन जो था वह पूरा खत्म हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है ग्रीन हाउस में प्रयुक्त होने वाली सिंचाई कौन कौन सी, ठीक है। जब हम लोग ग्रीन हाउस में सिंचाई करते हैं तो वहां पर कौन कौन सी सिंचाई प्रयुक्त होती है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं कॉपी पे नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं आप लोगों को पीपीटी से करा दे रहा हूँ, पीडीएफ से करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई, ठीक है। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, तो ग्रीन हाउस में हम लोग ड्रिप सिंचाई का यूज करते हैं। तो यह प्रणाली ट्यूबों और उत्सर्जकों के नेटवर्क के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाता है। यह वाष्पीकरण और अफवाह को कम करके कुशल जल का उपयोग सुनिश्चित करता है। इससे पौधों की जड़ों में पानी जाने से पौधे के पत्तों पर पानी का छिटका नहीं आता, जिससे पत्तियों पर लगने वाले रोग भी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में किसका कौन सी सिंचाई का यूज किया जाता है, ड्रिप सिंचाई का। अगला है स्प्रिंकलर सिंचाई, तो ग्रीन हाउस में स्प्रिंकलर सिंचाई का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो पारंपरिक आउटडोर स्प्रिंकलर सिस्टम के समान यह विधि ओवरहेड स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी वितरित करती है। यह एक समान कवरेज प्रदान करता है लेकिन ग्रीन हाउस के भीतर उच्च आर्द्रता का स्तर पैदा कर सकता है, ठीक है। स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है, बारिश की जो बौछार होती है उस टाइम गोल गोल घूम के क्या करती है, बारिश से बौछार जैसी पानी पौधों के ऊपर छिड़कती है, ठीक है। तो यह था स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। अगला देखते हैं ग्रीन हाउस में कौन सी सिंचाई उपयोग होती है। तो अगला है पोषक तत्व फिल्म तकनीक, ठीक है। एनएफटी सिंचाई की टेक्निक का यूज किया जाता है। एन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट, एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजर, डी का मतलब होता है टेक्निक, ठीक है। तो इस एनएफटी टेक्निक का भी यूज किया जाता है इसमें ग्रीन हाउस के अंदर सिंचाई करने के लिए, ठीक है। इस प्रणाली में पोषक तत्वों से भरपूर पानी की एक पतली फिल्म उन चैनलों या नालियों के नीचे लगातार बहती रहती है जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। जड़े फिल्म से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सिंचाई का भी तरीका कहाँ पर यूज किया जाता है, ग्रीन हाउस में सिंचाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है एरोपोनिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछता है एरोपोनिक्स क्या है। तो याद रखिएगा एरोपोनिक्स
तो इस उन्नत तकनीक में पौधे की जड़ों को हवा में लटकाना और उन पर पोषक तत्वों का घोल डालना आदि शामिल होता है। एरोपोनिक्स में क्या किया जाता है, इस तकनीक में पौधों की जड़ों को हवा में लटकाया जाता है और उन पर पोषक तत्वों का घोल डालना शामिल होता है, जब पौधों को अधिकतम ऑक्सीजन और पोषक तत्व ग्रहण करने की अनुमति देता है। ठीक है, एरोपोनिक्स। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जो मैं जो भी बता रहा हूँ सब है। हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग को बताना है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिएगा। हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो पूरे वर्ष पौधों के लिए नियंत्रित और आरामदायक वातावरण बनाने के लिए वाणिज्यिक और बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस संचालन में गर्म हवा ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ष भर पौधों के लिए नियंत्रित और आरामदायक वातावरण बनाने के लिए वाणिज्यिक और बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस संचालन में गर्म हवा ग्रीन हाउस सिस्टम का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। उचित रूप से डिजाइन और रख रखाव की गई प्रणालियाँ सफल खेती सुनिश्चित करने और फसल की पैदावार को अधिकतम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या हमें लाभ होता है। तो पाले से होने वाले नुकसान को का कम जोखिम होता है। ठीक है, जो हॉट एयर ग्रीन हाउस होता है, हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम, उससे क्या होता है, उससे पाले से होने वाले नुकसान का जोखिम कम होता है। तो गर्म हवा हीटिंग सिस्टम ठंडी रातों के दौरान भी गर्म वातावरण बनाकर रखकर पाले से होने वाले नुकसान को रोकता है। जैसे इस टाइम ठंडी आ गया, इस टाइम क्या होता है कि हमारे जो आलू होते हैं उनको पाला लग जाता है और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको पाला लग जाता है। तो ग्रीन हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम जो है, इसके माध्यम से क्या होगा, रात्रि में भी और ठंडी के समय में भी उसके अंदर गर्म वातावरण बना रहेगा जिससे पाले से प्रभावित नहीं होंगे पौधे। ठीक है, तो गर्म हवा हीटिंग सिस्टम ठंडी रातों के दौरान भी गर्म वातावरण बनाए रखने में और पाले से होने वाले नुकसान को रोकता है। अगला है समय पर प्रतिक्रिया। तो थर्मोस्टेट हीटिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करने की अनुमति देता है जिससे सुनिश्चित होता है कि तापमान वांछित सीमा के भीतर बना रहे। अगला है कुशल ताप वितरण। तो अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणालियों में गर्म हवा का समान वितरण सुनिश्चित रहता है जिससे पौधों की क्षेत्र वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर जो होता है उसके लिए एक सिस्टम लगा होता है जिससे जितना उसको अनुकूल टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर बना रहता है। टेम्परेचर न कम होता है न ज़्यादा होता है, ठीक है, अनुकूल रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, जोनिंग संभावनाएं। तो बड़े ग्रीन हाउस को जोन में विभाजित किया जा सकता है जिससे विभिन्न वर्गों में अनुकूलित हीटिंग की अनुमति मिलती है। ठीक है, जो बड़े ग्रीन हाउस होते हैं उनको जोन में विभाजित कर दिया जाता है जिससे विभिन्न वर्गों में अनुकूलित हीटिंग की अनुमति मिलती है। अगला है लचीले ईंधन विकल्प। लचीला का मतलब समझते हैं क्या, इलास्टिक। ठीक है, तो इन प्रणालियों में प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, तेल या बायोमास जैसी नवीकरणीय विकल्पों सहित विभिन्न ईंधन स्रोतों के लिए अनुकूलित किया जाता है। ठीक है, विभिन्न स्रोतों के लिए ईंधन अनुकूलित किया जाता है। अगला है लगातार तापमान। तो गर्म हवा हीटिंग सिस्टम बाहरी मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना ग्रीन हाउस के भीतर लगातार और नियंत्रित तापमान प्रदान करता रहता है। तो यही था हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने इसके बारे में बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस ड्राइंग क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस सुखाना क्या है, ग्रीन हाउस सुखाना के कार्य बताइए, ड्राइंग ग्रीन हाउस ड्राइंग क्या है, ग्रीन हाउस ड्राइंग का कार्य बताइए। तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ग्रीन हाउस सुखाना क्या होता है या ग्रीन हाउस ड्राइंग क्या होता है पहले समझ लीजिए। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के फसल होते हैं, ठीक है, फसल, अनाज, सब्जियां, इन सभी को क्या किया जाता है, इन सभी को उपयुक्त टेम्परेचर पर सुखा दिया जाता है। तो ग्रीन हाउस वातावरण जो होता है, ग्रीन हाउस ड्राइंग जो होता है, उसका कार्य क्या, उसको हम लोग जानेंगे। तो ग्रीन हाउस पर्यावरण पहला है। तो ग्रीन हाउस विनियमित तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन के साथ एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। यह वातावरण नमी हटाने को बढ़ावा देने वाली स्थितियां बनाकर कृषि उत्पादों को सुखाने के अनुकूल होता है। ठीक है, कृषि उत्पाद जो होते हैं उनको सुखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ग्रीन हाउस पर्यावरण का। अगला है वायु परिसंचरण। तो सामान्य रूप से सुखाने के लिए उचित वायु परिसंचरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेंटिलेशन सिस्टम, पंखे और एग्जॉस्ट वेंट रणनीतिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए जाते हैं कि नम हवा को शुष्क बाहरी हवा में बदल दिया जाए। ठीक है, जो नम हवा है उसको शुष्क बाहरी हवा से बदल दिया जाए। अगला है हीटिंग। तो कुछ ग्रीन हाउस सुखाने वाले सेटअप गर्म और शुष्क वातावरण बनाए रखने के लिए हीटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस के भीतर तापमान को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या अन्य ताप स्रोतों को नियोजित किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, आर्द्रता नियंत्रण। ठीक है, तो ग्रीन हाउस ड्राइंग में फफूंदी के विकास को रोकने और कुशल सुखानों को प्राप्त करने के लिए आर्द्रता के स्तर का प्रबंधन करना शामिल होता है। आर्द्रता नियंत्रण तंत्र जैसे वाष्पीकरण, शीतलन, ह्यूमिडिफायर या वेंटिलेशन वांछित आर्द्रता सीमा को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि फसलों के अंदर जो आर्द्रता होता है उसको कम करने में मदद करते हैं ग्रीन हाउस ड्राइंग सिस्टम। ठीक है, या क्या करते हैं, फसलों के अंदर लगने वाले जो विभिन्न प्रकार के फफूंदी होते हैं उनको रोकने में मदद करते हैं, फसलों को
इतना नमी पिला देते हैं जिससे उन्हें फफूंदी न लग पाए और अन्य भी कोई भी इंसेक्ट न लग पाए। ठीक है, अगला सेल्विंग या रैक। तो कृषि उत्पादों को ग्रीन हाउस के भीतर रैक या सेल्विंग पर रखा जाता है। ये रैक उत्पादों के चारों ओर उचित वायु प्रवाह की अनुमति देते हैं जिससे सामान सुखाने की सुविधा मिलती है। ठीक है, जिससे सामान को सुखाने की क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। अगला देखते हैं निगरानी और नियंत्रण। तो आधुनिक ग्रीन हाउस सुखाने की प्रणालियों में अक्सर तापमान, आर्द्रता और अन्य पर्यावरणीय कारकों की निगरानी के लिए सेंसर्स और स्वचालित नियंत्रण शामिल होते हैं। यह नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं कि सुखाने की स्थितियाँ इष्टतम सीमा के भीतर रहें। ठीक है, यह क्या बताता है, यह बताता है कि जो भी नियंत्रण है वह सुखाने की स्थितियाँ इष्टतम सीमा के भीतर है, जो सीमा उसके भीतर ही रहें। ठीक है, तो यह था 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, लेकिन अपने से भी आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया लो कास्ट ग्रीन हाउस कैसे बनाएंगे। ठीक है, लो कास्ट में ग्रीन हाउस कैसे बनाएंगे, हार्ड एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम क्या आता है। एक क्वेश्चन है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इसको मैंने करा दिया पीछे वाली वीडियो में। ठीक, उसमें देख लीजिएगा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होता है। उसके बाद आप लोग को एक पढ़ना है डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ ग्रीन हाउस फॉर कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम। ठीक है, हीटिंग पर्पज इसको पढ़ना आप लोगों को, और आप लोगों को पढ़ना ईएमसी के बारे में, ईएमसी के बारे में, पीएचटी इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे ऊपर ऊपर के क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। इतना आप लोगों को जरूर पढ़ना है, इतना इससे बाहर बहुत कम क्वेश्चन हो सकता है कि इसके बाहर जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और इससे क्या होता है, वीडियो की रीच बहुत कम जाती है, व्यूज कम आता है, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ वीडियो भी ना डालूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार हो जाता है फिर से। तो आप लोगों से आशा है कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।